हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबा दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, ये सब बिल्कुल फ्री है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडियन सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में आप लाख करोड़ देखते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में आप मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इस तरह से देखते हैं। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है कि राइट द नंबर अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम एंड ऑल्सो पुट द कॉमा। तो हम पहले कॉमा पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम, और फिर उसको हम लिखते हैं वर्ड्स में, मीन्स स्पेलिंग में। यदि इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इसमें भी हम पहले कॉमा पुट करेंगे नंबर के आगे, उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में उसको वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज इंडियन सिस्टम के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कुछ ऐसे नंबर हैं जिसको लिखने में काफ़ी परेशानी होती है, तो उस नंबर को आसानी से कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम इंडियन सिस्टम में लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट ओ है, ओ मीन्स वंस, टेंस, ये प्लेस है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, क्रोर, टेन क्रोर। ठीक है, अब यदि आप इसको लिखते हैं तो आपको ध्यान देना है कि कॉमा कहाँ पुट करें। फर्स्ट थ्री डिजिट में कॉमा होगा अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम, फिर उसके बाद दो दो डिजिट के बाद आप कॉमा डालते जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लेस आपका थाउजेंड का है, ये प्लेस आपका लैख का है, और ये प्लेस आपका करोड़ का है। ठीक है, जब आप इसको रीड करते हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे, 26 करोड़, 28 लाख, 76,295, नेक्स्ट 62 करोड़, 02 मीन्स सिर्फ 2 है, 2 लाख, 03 मीन्स सिर्फ 3 है, तो 3,256। अब यहाँ पर करोड़ का जगह खाली है, सिर्फ लाख है, 76,25,621। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे रीड करना चाहिए। ठीक है, अब एक बार नंबर लिख के उसको कॉमा डालते हैं और फिर हम उसको वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2,3,5,6,7,1,2,0। अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम फर्स्ट थ्री डिजिट के बाद कॉमा डलता है, फर्स्ट थ्री डिजिट के बाद कॉमा डाल दीजिए, फिर टू टू डिजिट के बाद डलते जाता है, तो दो डिजिट के बाद यहाँ डलेगा, फिर दो डिजिट के बाद यहाँ डलेगा। तो ये हंड्रेड का प्लेस होता है, ये थाउजेंड का प्लेस होता है, ये लाख का, और ये करोड़ का। कितना है, 2 करोड़, तो आप इसको लिखेंगे 2 करोड़ स्पेलिंग में, 2,35,00,000, 67,000, 120, 120। खास दिक्कत तब होता है जब हम वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि वर्ड्स को नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए लिखने की कोशिश करते हैं, 56,21,77,000। यदि आप वैसे लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है, यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पहले ये बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, और नंबर को पुट करते जाइए, 56 करोड़ है तो करोड़ वाले बॉक्स में आप 56 डाल दीजिए, 56 करोड़ हो गया, 21 लाख तो लाख में आप 21 डाल दीजिए, तो 21 डाल दिया हमने। उसके बाद है एंड 77, तो 77 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बाद में आके जितना भी खाली जगह है उसमें आप 0 भर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 56 करोड़, 21 लाख एंड 77। ठीक है, यदि आपको लिखने के लिए आता है 35,000 तो आप थाउजेंड में डालेंगे, ये थाउजेंड है, डालिए 35,000
एंड टू, तो सिर्फ टू यहाँ डालना है, बाद में कि दो जगह खाली बच गया उसमें आप जीरो कर दीजिए, ठीक है। और यदि आपको लिखना है 57 करोड़, तो लिखिए 57 करोड़। 21,000, तो थाउजेंड पे जाइए, 21,125, 125, ठीक है। और उसके बाद जो खाली जगह है वहाँ पर आप जीरो कर दीजिए, क्योंकि ये इंडियन सिस्टम है। यदि आप इसको सेपरेट लिखते हैं ऐसे करके कि 57,002,1,125, तो कॉमा डालना है, तो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद देन दो दो डिजिट के बाद, दो डिजिट के बाद फिर दो डिजिट के बाद, ठीक है। और अगर आपको लिखना हो 1 लाख, तो आप लाख का दो जगह है तो आप यहाँ नहीं लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 1 लाख, और ये जगह आप जीरो से भर दीजिए। उसके बाद यदि 7,000 लिखना है, तो 7,000 का दो प्लेस है, तो 7 इसमें आएगा ना कि इसमें, ये बात ध्यान रखना है आपको। ये जगह जीरो भर दीजिए, और इधर जो भी पूछ रहा है, यदि बोल रहा है 35 लिखो, तो 35 लिख देंगे, और बाद बाकी हम जीरो भर देंगे, ठीक है। अब चलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने ये बताया था कि कुछ नंबर को लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है। कैसे? यदि आपको ये बोले कोई लिखने के लिए कि 12,1212, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो यदि आप ऐसे लिखते हैं 12,1212, तो ये गलत है, क्योंकि जब इसको आप पढ़ेंगे तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, 3 डिजिट के बाद डिजिट, फिर ये, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1,21,212, और ये 12,1212 नहीं हुआ, ठीक है। तो फैक्ट ये है कि 12,1200 आप नहीं लिख सकते। यदि आपको कोई फोर्स कर रहा है लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे? तो पहले आप 12,000 लिख लीजिए, फिर 1200 लिखिए, फिर 12 लिखिए, और सबको प्लस कर दीजिए, 3,1। तो 12,1200 नहीं लिख पाते हैं, आप क्या लिख पाते हैं? 13,212, ठीक है। इसी तरह से कोई बोलता है आप लिखो 11,1111, तो कैसे लिखेंगे? तो आप पहले 11,000 लिख देंगे, फिर आप 1100 लिखेंगे, फिर आप 11 लिखेंगे, और सबको प्लस कर देंगे, और हो जाएगा आपका 12,111, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।